नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक सर समाचार से, नगरोटा पुलिस ने पशु तस्करी के प्रयास को विफल किया है और जानकारी ये मिली है कि लगभग 4 से 5 व्हीकल जो हैं वो उन्होंने जब्त किए हैं और कई पशु जो हैं वो रेस्क्यू भी वहां पर करवाए गए हैं। क्या कुछ जानकारियां विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर मोहित जम्वाल हैं, हमारे सहयोगी का, हमारे क्राइम रिपोर्टर। मोहित जी। जी दीपक। अच्छा, मुझे जानकारी दें कि कितने व्हीकल जो हैं वो जब्त किए गए हैं और कितने पशुओं को रेस्क्यू करवाया गया है। दीपक, कल बन टोल प्लाजा पर एसडीपीओ नगरोटा द्वारा एक नाका लगाया गया था, जिसमें वहां पर 5 वाहनों को जब्त किया गया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक ट्रक है जिसका नंबर है JK02AE5847। इसको जो चला रहा था, उस ड्राइवर का नाम था तारुख सनफ अब्दुल आरोश छन्नी मोड़ अदूमपुर। अच्छा। इसमें 22 मवेशी लोड थे, तस्करी की जा रही थी इस ट्रक के अंदर, 22 मवेशी पुलिस ने पकड़े। उसके थोड़ी देर बाद एक ट्रक आता है, उसका नंबर था JK02AL3987। अच्छा। इस ड्राइवर का नाम था सदाम हुसैन सनफ मोहम्मद शरीफ, RO0 मोड़ 83। इसमें 17 मवेशी थे दीपक। अच्छा जी। उसके बाद एक टाटा मोबाइल आती है दीपक, जिसका नंबर है JK19A2256। इस ड्राइवर का नाम था मन्नू अली सना मोहम्मद यूसफ आरो रामबन। इस लोड कैरियर में 4 मवेशी थे दीपक। अच्छा। उसके बाद एक चौथी गाड़ी को पकड़ते, जो कैंटर टाइप गाड़ी होती है, इसका नंबर था JK02DE7351। इसमें 18 मवेशी थे दीपक। 18। फिर एक 18 मवेशी। फिर पांचवी वाहन जो एसडीपीओ नगरोटा ने पकड़ा है, उसका नंबर भी कैंटर था, उसका नंबर था JK19A2658। इसमें 25 मवेशी थे दीपक। टोटल 86 मवेशी का नगरोटा पुलिस ने जो घाटी जाने से बचाए हैं, इनको रेस्क्यू किया गया है। और एसडीपीओ नगरोटा का ये जो कार्य है, ये सराहनीय कार्य था, सराहनीय कदम था। ये देर रात तक नाका पुलिस ने लगा कर रखा हुआ था दीपक। अच्छा, ये देर रात को जा रहे थे ये सारी गाड़ियां। जी दीपक। SHO नगरोटा, SDPO नगरोटा, चौकी अफसर छिद्रा, ये सारे लोग वहां पर एक टीम गठित की गई थी वन टोल प्लाजा पर, और स्पेशल मवेशी तस्करी को रोकने के लिए ये नाका लगाया गया था। अच्छा, मतलब रात के अंधेरे में, इसका अर्थ तो यही हुआ कि रात के अंधेरे में पशु तस्करी धड़ल्ले से चल रही है दीपक। ये नहीं कह सकते चल रही है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं, आए दिन गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। और SSP डॉक्टर विनोद कुमार के आने के बाद मवेशी तस्करी पर अंकुश लगा है, कुछ हद तक रोकने में पुलिस कामयाब हुई है। मतलब लेकिन तस्करों में तो डर खौफ दिख नहीं रहा है, इसके लिए आपको क्या लगता है, पुलिस को कोई और रणनीति बनानी होगी? दीपक, पुलिस को इसके लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि इन पर एक सिर्फ जो मामला दर्ज किया जाता है 188 IPC 11 का किया जाता है, और इनकी अवेलेबल ऑफेंस है, ये चौकी से ही जमानत हो जाती है। अगर इन मवेशी तस्करों के खिलाफ कोई कड़ा कानून बने, जिसमें इनको सजा हो, जुर्माना हो, तो हो सकता है इसको हम रोक पाए। या फिर जिस तरह पिछले दिनों नंद किशोर के बेटा ने मनवाल में मांग की थी कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, तो या फिर ये मामले उस तरह से रुक सकते हैं, क्योंकि कड़ी सजा मिलनी चाहिए इन तस्करों। क्या मांग की थी उन्होंने? आपकी आवाज थोड़ी कट गई। मनवाल में पिछले दिनों एक मवेशी तस्करी का जो मामला सामने आया था, एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, मेरी और आपकी वो खबर थी दीपक, जिसमें वहां पर स्थानीय नेता नंद किशोर के बेटे ने मांग की थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। उसको लगता है मतलब तस्करी रुक जाएगी, क्योंकि दीपक एक कड़ा कानून बनेगा जब राष्ट्रीय पशु के साथ ऐसा किया जाएगा, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों को सजा दी जाएगी। अभी तो ये मामला 188 IPC का बनता है, ये चौकी में जाते हैं, जमानत कराते हैं, चले जाते हैं, और ये वहां से कोर्ट से ऑर्डर ले जाते हैं और मवेशी शरेआम सामने से ले जाते हैं फिर ये लोग। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, पशु तस्करी को रोकने में नगरोटा पुलिस तो कामयाब हुई है, लेकिन कोई कड़ा कानून ना होने की वजह से ये लोग खुलेआम शरेआम धड़ल्ले से ये तस्करियां करते हैं। बेजुबानों को किस तरह से ठूस ठूस कर लेकर जाते हैं वो आप देख रहे हैं, तस्वीरें आती रहते हैं। कभी ट्रक में ऐसी व्यवस्था करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसमें व्यवस्था बनाते हैं, कभी गाड़ियों की सीटें निकाल लेते हैं, छोटी गाड़ियों की सीटें निकाल लेते हैं, उसमें बेजुबानों को डाल डाल कर लेकर जाते हैं। तो कड़ा कानून होना चाहिए ताकि पूरी तरह से इसके ऊपर रोक लगे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।